सुशांत सिंह राजपूत के निधन के एक महीने बाद अंकिता ने पहली बार शेयर किया पोस्ट। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एक महीने बाद उनकी पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे ने आखिरकार अपनी प्यारी यादों को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अंकिता ने एक दिए गई तस्वीर पोस्ट की है। इस फोटो को उन्होंने कैप्शन दिया, भगवान का बच्चा। ट्रोलिंग से परेशान क्या करण जौहर ने बनाया नया इंस्टाग्राम अकाउंट। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से करण जौहर लगातार ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। नेपोटिज्म और इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की बहस में सबसे ज़्यादा करण जौहर को निशाने पर लिया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग की वजह से वो करीब एक महीने से बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। उन्होंने अपना आखिरी पोस्ट 14 जून को सुशांत को लेकर किया था। इस बीच चर्चा है कि करण जौहर ने नया प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है। DNA में छपी रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर के नए अकाउंट का यूजर नेम करण अफेयर्स है। इसे करण के करीबी लोग ही फॉलो करते हैं, जिसमें श्वेता बच्चन, गौरी खान, सुहाना खान और अनन्या पांडे जैसे सेलेब्स शामिल हैं। इस अकाउंट से सिर्फ एक पोस्ट किया गया है, कुल 21 फॉलोवर हैं और 115 लोगों को फॉलो किया जाता है। DNN ने अपनी रिपोर्ट में इस अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। बदल जाएगा थिएटर में फिल्म देखने का अंदाज। अनलॉक 3 की घोषणा से पहले सिनेमा घर मालिक उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सरकार उनकी तरफ भी दया दृष्टि दिखाएगी। इंतजार के इन लम्हों में थिएटर्स नई तैयारी हो रही हैं। दिल्ली समेत देश के तमाम मल्टीप्लेक्स दर्शकों का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनलॉक 3 की गाइडलाइन के तहत बहुत मुमकिन है कि अगस्त के पहले हफ्ते से जिम, मूवी थिएटर, सभागार को कुछ शर्तों के साथ खोल दिया जाए। ऐसे में सिनेमा घर इसके लिए खास तैयारियां कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र तामझाम तो बढ़ेंगे, लेकिन टिकटों के दाम नहीं। टिकटों या खाने पीने के सामान के दाम पहले की तरह ही होंगे, बल्कि इसमें दर्शकों को थिएटर तक लाने के लिए कई रियायतें भी दी जाएंगी, ताकि लोगों में आत्मविश्वास बढ़े, वो परिवार और मित्र मंडली के साथ थिएटर तक आएँ। द क्रिटिक्स ने सुनील शेट्टी को नकारा, नहीं आता एक्शन। बतौर एक्शन हीरो अपने करियर की शुरुआत करने वाले हीरो सुनील शेट्टी वोकल फॉर लोकल का समर्थन करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को आगे बढ़ाने के संबंध में आज तक से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा कि मेरा मानना है कि हम अच्छे से अच्छा ब्रांड बना सकते हैं और हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम मल्टीनेशनल ब्रांड को भी टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ पर कई लोग इम्पोर्टेड ब्रांड्स में विश्वास करते हैं, लेकिन जब मैंने एक लोकल ब्रांड को परखा तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तभी मैंने फैसला किया था कि इस लोकल ब्रांड को बड़े स्तर पर गो वोकल फॉर लोकल सोच के साथ आगे बढ़ाना है और मैंने इसे कम कीमत में अच्छी सेहत बनाने के लिए उपलब्ध कराने का एक चैलेंज लिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये प्रयास सफल होगा और देसी और अच्छे प्रोडक्ट कम कीमत में देश के लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। मुलायम सिंह यादव की बायोपिक का ट्रेलर रिलीज, अक्टूबर तक आ सकती है फिल्म। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर बन रही बायोपिक फिल्म का ट्रेलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। इस बात की जानकारी फिल्म निर्माता मीना सेठी मंडल ने दी। वही निर्देशक सुबोधु घोष ने बताया कि अगर सिनेमा हॉल खुल जाएंगे तो ये फिल्म संभवतः अक्टूबर में रिलीज होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर बन रही इस फिल्म का नाम मैं मुलायम सिंह यादव है। श्रद्धा कपूर के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 5 करोड़ के पार, फैंस को कहा शुक्रिया। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक हैं। फिल्मों में उनका अभिनय और खूबसूरती हर किसी को दीवाना बनाता है। हाल ही में श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर एक नई उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या ने 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर ली गई है। श्रद्धा ने फैंस का इस प्यार के लिए बेहद अलग अंदाज में शुक्रिया अदा किया है। श्रद्धा कपूर ने इंग्लिश, हिंदी और मराठी में हेड रिटन पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के लिए काफ़ी कुछ कहा है। श्रद्धा ने लिखा, मेरे प्यारे फैन क्लब और शुभचिंतक, मैंने आपको बनाए सारे पोस्ट और वीडियो देखे। आप सबके प्यार से मैं काफ़ी अभिभूत हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी बदौलत हूँ। आप सभी के प्यार के लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। कृपया अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ बेहद प्रेम भाव से रहें। शुक्रिया 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 50 मिलियन बार। रिलीज से पहले विवादों में घिरी माजिद मजीदी की फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड। मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। माजिद मजीदी के निर्देशन में बनी ये फिल्म पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर आधारित है। रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिल्म को बैन कराने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को खत लिखा है। 31 जुलाई को मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है।
रजा एकेडमी ने एक लेटर लिखकर सरकार को कहा था कि इस फिल्म से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अकादमी ने कहा था, जब से इस फिल्म की रिलीज की खबर सामने आई है तभी से समुदाय में हंगामा मचा हुआ है। हमें फिल्म को प्रतिबंधित करने के लिए सैकड़ों कॉल आ रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है। मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड AR रहमान ने संगीत दिया है। बॉबी देओल की नेटफ्लिक्स फिल्म क्लास ऑफ 83 का फर्स्ट लुक रिलीज। बॉबी देओल के लुक ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। बॉबी देओल की नेटफ्लिक्स का नाम क्लास ऑफ 83 है और इसमें वो पुलिस अफसर के रोल में नजर आएंगे। फिल्म के फर्स्ट लुक को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉबी देओल OTT प्लेटफॉर्म पर धूम मचाने वाले हैं। बॉबी देओल क्लास ऑफ 83 की कहानी एक शानदार पुलिस अफसर की है जिसमें कि पनिशमेंट पोस्टिंग की जाती है। उसे पुलिस अकेडमी का डीन बना दिया जाता है लेकिन वो फैसला करता है कि भ्रष्टाचारी अफसरशाही को वो सज़ा दिलाकर ही रहेंगे। इसके लिए वो एक प्लान भी बनाता है लेकिन वो खुद भी इसका शिकार होता चला जाता है। इस तरह बॉबी देओल इस बार जोरदार धमाका करने जा रहे हैं। CBI जांच की मांग से पीछे हटे शेखर सुमन परिवार को बताया वजह। कुछ समय पहले तक इस मांग को लेकर एक्टर शेखर सुमन काफ़ी मुखर रूप से सामने आए थे। उन्होंने इसको लेकर सुशांत के परिवार से मुलाकात की और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि अब वो इस मुद्दे से पीछे हट गए हैं। उनका कहना है कि सुशांत के परिवार की चुप्पी उन्हें असहज बना रही है। शेखर ने लिखा, इस समय में मेरी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप अब मुझे पीछे जाने की इजाज़त दीजिए। परिवार इस मामले में बिल्कुल शांत है। ये मुझे काफ़ी असहज कर रहा है। ये उनका विशेष अधिकार है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। धर्मेंद्र के फॉर्म हाउस में छोटे से पेड़ पर लग गया आम। बोले, कुदरत भी क्या तोहफा देती है। जरा देखिए कुदरत क्या कुछ देती है हमें। छोटे से आम के पेड़ को चार चार पाँच पाँच आम लग गए हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये खूबसूरत तोहफा मुझे मेरे एक प्यारे दोस्त संतोष ने दिया है इंदापुर से। आई एम लुकिंग आफ्टर इट लाइक ए चाइल्ड। आप सब अपना ख्याल रखिए। ये कोरोना किसी को नहीं छोड़ती दोस्तों। बी केयरफुल। लव यू ऑल। प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। प्रे फॉर यू।